अभी हीरा मंडी की हर जगह चर्चा चल रही है। किसी को यह सीरीज पसंद आई है तो किसी ने इस सीरीज को ट्रोल किया है। इस सीरीज में कई पात्रों और कलाकारों की अभिनय की बहुत तारीफ हुई है। इसमें एक पात्र है जिसका नाम आलमजेब है। वह अपने जीवन को कवि बनाने के लिए तत्पर है, पर हीरा मंडी के इस सोनेरी पिंजड़े में फंसने के बाद उसे अपनी परंपरा को जारी रखने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि उसकी माँ मल्लिका जान की आशा होती है। पर सभी बाधाएं तोड़कर वह ताजदार नाम के एक लड़के से प्रेम करने लगती है और प्रेम पाने के लिए उसे कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। इस प्रेम के सफर में उसके प्रियकर का मृत्यु हो जाना सभी सपनों को बिछड़ा देता है। उसके बाद आलमजेब खुद को बदलने का निर्णय लेती है और अपने बदलते रूप में दर्शकों के सामने आती है। ऐसा आलमजेब पात्र शर्मीन सेगल ने पोर्ट्रेट किया है। शर्मीन सेगल एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। इस अभिनेत्री ने अपना करियर मामा संजय लीला भंसाली के साथ शुरू किया था, जो कि उनके सहायक निर्देशक थे। शर्मीन मोहन सेगल की पोती है। 2022 में इस अभिनेत्री ने मलाल के चित्रपट में अभिनय किया। शर्मीन ने गोलियों की रासलीला रामलीला में सहायक निर्देशक के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की थी। आगे मेरी कोम, बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे चित्रपटों के लिए भी उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। शर्मीन ने न्यूयॉर्क के लिए स्ट्रासबर्ग थिएटर और फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का कोर्स किया है। कुछ महीने पहले नवंबर 2023 में शर्मीन सेगल ने अमन मेहता के साथ शादी की। अब अतिथि भूतो भव चित्रपट में उन्हें प्रतीक गांधी के साथ नजर आने वाली है। हीरा मंडी में शर्मीन सेगल का काम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।